केंद्र सरकार के जल शक्ति अभियान को लेकर आज दौसा में प्रभात फेरी निकालकर लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। रैली में विद्यार्थियों ने आमजन से वर्षा के जल का संग्रहण करने की अपील की। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेपी बुनकर ने बताया कि जल संरक्षण को लेकर आमजन के साथ कई कार्य करवाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की जल शक्ति योजना के तहत आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें प्रभात फेरी निकाली जाएगी। रामकरण जोशी स्कूल से लेके और गवर्नमेंट कॉलेज तक जो है ये रैली जाएगी। और आज इसी अवसर पर हमने जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा है। कॉलेज में लगभग 200 पौधे हम लगाएंगे और लोगों तक, जन जन तक ये बात पहुँचेगी कि हमें जल की उपयोगिता समझ करके और कैसे जल को बचाना है। वहीं स्कूली छात्रों ने प्रेरित होकर घर के साथ अन्य लोगों को जल संरक्षण के महत्व के बारे में जानकारी देने का संकल्प लिया। हमको इससे प्रेरणा मिली है कि हमको है ना कि जल का संरक्षण करना चाहिए और जो ये वर्षा का जल जो वेस्ट बह जाता है, जिसको हमें क्या नाम से सब बचाना चाहिए, टाके वगैरह बना के। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जल शक्ति अभियान चलाया गया, जिसके तहत जिससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें जल का संरक्षण करना चाहिए और मैं जल का संरक्षण करूंगी। वर्षा के जल को एकत्रित करके उसका सदुपयोग किया जा सकता है और मैं स्काउट के माध्यम से और ऐसे आसपास गांव में या मेरे पड़ोसियों में सबको जागरूक करूंगा कि जल का सदुपयोग करें।